हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ये इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। इसमें मैंने जो भारत की स्थिति के बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो को बनाया है। और इसमें सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ, इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, खासकर जो यूपी पीसीएस के लोअर और आरओ की परीक्षा होती हैं। इनमें इंडियन ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर ये जो लोकेशन एरिया और बाउंड्रीज पे जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके पहले कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसके अलावा ये जो दो FB ग्रुप्स हैं, एक पर्टिकुलर RO ARO के लिए और दूसरा ये UPPCS की परीक्षाओं के लिए है, तो आप इनको जरूर ज्वाइन करिए। और ये जो मेरे वीडियोज़ हैं, ये सिर्फ UPPCS की परीक्षाएं उनके लिए ही नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इन वीडियोस से आप ज्योग्राफी को पढ़ सकते हो, अपनी ज्योग्राफी स्ट्रांग कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन स्टेट्स थे जो एक्चुअली जहां से मैंने पिछला वीडियो खत्म किया है, एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीन राज्य ऐसे हैं जो तीन देशों से अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो ये पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो इसको एक बार रिपीट किया है। जम्मू कश्मीर कौन कौन से कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है? पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका जम्मू कश्मीर है, तो ये पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है इधर। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ बहुत छोटा एरिया शेयर करता है, मैंने आपको बताया है। ये पूरा पोर्शन जो POK पड़ता है, तो ये जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो बाउंड्री है वहाँ पे इसको शेयर करता है। इसके अलावा चाइना के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो ये हो गया। इसके बाद सिक्किम को देखेंगे। सिक्किम में अच्छी खासी कन्फ्यूजन होती है, नेपाल, भूटान और चीन, ये तीन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये देखिए है आपका सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नेपाल जिसकी बाउंड्री टच हो रही है। इसके बाद ये ईस्टर्न पार्ट है, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे भूटान के साथ टच करता है और चीन के साथ तो टच करता ही करता है। ठीक है, तो ये तीन हो गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल, ये जो वेस्ट बंगाल है, ये भी तीन देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग भूटान को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि बीच में आसाम आता है, ये देखो ना, ये आसाम को पूरा आ रहा है, तो ये और इसके बाद यहाँ तक पूरा आसाम आता होगा तो भूटान नहीं टच करता होगा। लेकिन जो इसका वेस्ट बंगाल का आप शेप देखोगे ना, अजीब सा देखो, यहाँ पे ये नेक निकली हुई है। ठीक है, तो ये भूटान को टच करता है, इसके लिए बांग्लादेश को तो टच करता ही करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये नेपाल को भी टच करता है। ठीक है, तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक है, इसके अलावा भारत में 17 राज्य ऐसे हैं, 17 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा आपके अपने एटलस में। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, मतलब कि इनके आसपास कोई तटरेखा नहीं है, ये आसपास चारों तरफ से किसी न किसी स्टेट से घिरे हुए हैं और ये कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं, टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, मतलब इनके आसपास कोई भी समुंदर नहीं है, समुद्र तटीय रेखा नहीं है, और इसके अलावा इनके ये किसी भी दूसरे देश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। तो एक तो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, तो 5 स्टेट्स ऐसे हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया पहला, क्योंकि ये इसके आसपास कोई समुन्दर नहीं है और कोई अंतर्राष्ट्रीय देश मीन बाउंड्री भी नहीं है। छत्तीसगढ़ सेकेंड, ठीक है, इसके बाद देखिए उड़ीसा इसके साथ टच करता है और इसको अभी पुराना मैप है, तो यहाँ पे तेलंगाना आता है, तीसरा पार्ट तेलंगाना का हो गया। ठीक है, और चौथा कौन सा बताया था मैंने, हरियाणा, ये चौथा हो गया, और इसके बाद एक आपका हो गया ये झारखंड। ठीक है, तो 5 स्टेट ऐसे हैं जो जिनके पास उनकी तटरेखा नहीं है और किसी भी देश के साथ वो अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते। ओके, तो इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, जो भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड रेखा बोलते हैं, जो ये वाली जो लाइन है इसको डूरंड लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, जब 1947 में जो डिवीजन होना था,
तो ये जो पूरी लाइन है, रेडक्लिफ जो सर रेडक्लिफ आए थे, जो उन्होंने इसका पार्टीशन किया था, तो उन्होंने इस लाइन को ड्रा किया था, इसलिए उनके नाम पे इसको रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। और भारत तथा चीन के बीच एक मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो ये जो मैकमोहन लाइन है, ये एक्चुअली जो अरुणाचल प्रदेश से ये जो लाइन है ना, यही है मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये इधर का जो कुछ भी ये जो है ना, ये मैकमोहन लाइन नहीं है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और चीन, इनके बीच की जो बाउंड्री लाइन है, उसे मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आराम से तीनों लाइन के बारे में बता सकते हो किसका किससे रिलेशन है। ये अक्सर पूछी जाती है परीक्षा में, तो इसे आप बिल्कुल बाई हार्ट कर लीजिए, अच्छे से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बाद भारत की पूर्वी सीमा देखेंगे, जो ईस्टर्न बाउंड्री है, तो उसमें तमाम सारी हिल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये मिसमी हिल्स, पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, बैराल रेंज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी जो हिल्स है ना, ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। ये देखो मिसमी हिल यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ से इसकी बाउंड्री खत्म होती है। इसके बाद ये पटकाई बूम है, यहाँ मिलेगा आपको। इसके बाद ये नागा हिल्स है नागालैंड में, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये बैराल रेंज मिलती है, ये भी बढ़ बढ़ के यहाँ तक आती है। तो ये पूरा ये आपकी बाउंड्री क्रिएट करती है। और फिर ये मिजोरम में आके आपको मिजो हिल्स मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिजो हिल्स मिलेंगी, लुसाई हिल्स है यहाँ पे, देख रहे हो, ये पूरा मिजो हिल्स आपको यहाँ, ये इसके साथ बाउंड्री क्रिएट कर रही है बांग्लादेश के साथ में। और जो ये आपका अराकन योमा श्रेणी है ना, ये एक्चुअली हिमालय की रेंज ही है जो म्यांमार में चली जाती है, तो इसको म्यांमार के अंदर अराकन योमा श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये ईस्टर्न बाउंड्री बनाती हैं भारत की म्यांमार के साथ में, ठीक है। और ये जो अराकन योमा की श्रेणी है, ये यहाँ से जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, इसके बाद से समंदर के अंदर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, और वहां बढ़ते बढ़ते ये फिर से बाहर निकल के आती है कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो आइलैंड्स हैं, ये एक्चुअली हिमालय के ही पार्ट हैं, जो अराकन योमा के बाद समंदर के अंदर चले जाते हैं और वापस से फिर यहाँ पे ऐसे निकल के बाहर आते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार में। ओके, ठीक है। ये तो जब मैं अभी आपको द्वीप के बारे में, जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में जब पढ़ाऊंगा, तो आपको पूरा विस्तार से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये देखो कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे जो बताने थे, जो पिछला वीडियो काफी लंबा हो रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ कोई भी वीडियो 30 मिनट से लंबा ना हो, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट बताया है मैंने पीछे से पिछले वीडियो में भी हल्के से। तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे देखो ये होता है, ये आपका ग्रेट निकोबार पड़ता है ना, ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पे ये पॉइंट सबसे सदर मोस्ट, इसके आप अक्षांश देखो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है। आई थिंक 680 किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी मात्र, अप्रोक्सीमेटली बोलो 680, कहाँ से, भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से। तो ये ग्रेट निकोबार पे है, ये आप याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार जो सबसे सदर मोस्ट पार्ट है इंडिया का, उस पर इंदिरा पॉइंट है। इसको पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता था पहले, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक है। और जो पश्चिमी बिंदु है ये यहाँ पे, इसे सरक्रीक बोलते हैं गुजरात में, सरक्रीक। और जो पूर्वी बिंदु है वो है वलांगू, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ये है वलांगू अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे जो ये है इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरी, ठीक है, इसको भी बोलते हैं इंदिरा कॉल, ओके, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अक्षांश भी याद रखना, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और एक इस पे है ग्रेट निकोबार पे, ओके। और उसके अक्षांश क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत दक्षिण में श्रीलंका के साथ में पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको, ये श्रीलंका है ना, तो ये जो बीच में जो ये है ना पाक जल संधि, इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। तो भारत और पाकिस्तान, सॉरी, श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। और श्रीलंका के बाद जो दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो है इंडोनेशिया, सबसे निकटतम। क्योंकि ऐसे तो देखोगे आपको लगेगा इंडोनेशिया बहुत दूर है, लेकिन जो ये हिस्सा है ना हमारा अंडमान निकोबार का, जो ये अब पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ये भी तो भारत का हिस्सा है ना, तो बिल्कुल इधर साउथ में पास में इंडोनेशिया है, बहुत पास में है यहाँ से। निकोबार जो ग्रेट निकोबार है उसके बहुत पास में है, तो उसे भी हम काउंट करेंगे। तो श्रीलंका के बाद जो दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है, और उसकी दूरी ग्रेट निकोबार से बहुत पास में है। तो ये जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। अब वो आपको ऑप्शन दे देंगे ऐसे,
जैसे श्रीलंका दे दिया, फिर आपको कंबोडिया दे दिया, थाईलैंड दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और इंडोनेशिया नहीं मरोगे, ठीक है? तो इसलिए आप बिल्कुल इसका ख्याल रखना। तो आई होप आप ये सारे वीडियोस जो इस दो लोकेशन से रिलेटेड दो जो भी पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक करते जाइएगा, शेयर भी करिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करो, ठीक है? और ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपने अब तक नहीं किए हैं। कोई भी डाउट है या किसी भी चीज़ में जो आपको लग रहा है मैंने गलत बताइए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है? अगर कई बार होता है मिस्टेक हो जाती है तो वो हम सही कर देंगे, ऐसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।